हेलो दोस्तों, एजी इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कन्वेयर सर्किट को हम लिमिट स्विच से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम मैनुअल मोड में सिलेक्ट कर देंगे तो हमें जितना चाहिए उतना कन्वेयर हम घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे हम ऑटो मोड सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कन्वेयर ऑटोमेटिकली चालू होगा। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लिमिट स्विच के पास जाएगा और लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारा कन्वेयर उसी जगह पर स्टॉप होगा, लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे तो हमारा कन्वेयर फिर से ऑटोमेटिकली चालू होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इंडस्ट्रीज में बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हमें मटेरियल की क्या क्या जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। हमें एक 2 पोल का MCB चाहिए, एक कॉन्टेक्टर चाहिए, मोटर प्रोटेक्शन के लिए एक ओवरलोड रिले, कन्वेयर स्टॉप के लिए एक पुश बटन, कन्वेयर स्टार्ट के लिए एक पुश बटन और ऑटो मैनुअल के लिए एक सिलेक्टर स्विच चाहिए। दोस्तों, हमें MCB के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल लेते हैं, MCB के आउटपुट से फेज लेते हैं और ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड NC टर्मिनल से हम लिमिट स्विच के NC एलिमेंट को फेज देते हैं। लिमिट स्विच के NC एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर लेते हैं और वायर का दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट को देते हैं। स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम सिलेक्टर स्विच के NO एलिमेंट को देते हैं। सेम हम स्टार्ट पुश बटन के लिए करेंगे। स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट के आउटपुट साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट के दूसरे साइड से फेज लेते हैं और कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्टर स्विच के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और हम वायर का दूसरा सिरा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को जोड़ देते हैं। तो हमारे कॉन्टेक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम डायरेक्टली MCB के आउटपुट से कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम MCB को चालू करते हैं और सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ग्रीन पुश बटन यानी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है, लेकिन जैसे हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर बंद होता है, यानी हम हमारे कन्वेयर को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यूसली चालू रहता है, यानी हमारा कन्वेयर कंटिन्यूसली घूमता रहता है, लेकिन जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लिमिट स्विच के पास जाएगा तो लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। जैसे हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर उसी टाइम पे बंद होगी। जैसे हमारी मोटर बंद होगी तो हमारा कन्वेयर भी बंद होगा, लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं तो हमारा लिमिट स्विच रिलीज होगा। जैसे हमारा लिमिट स्विच रिलीज होगा तो हमारी मोटर फिर से चालू होगी और हमारा कन्वेयर फिर से चालू होगा। अगर हम मैनुअल मोड सिलेक्ट करते हैं तो हमारा इंचिंग का सर्किट काम करेगा, लेकिन जैसे हम ऑटो मोड सिलेक्ट करते हैं तो हमारा होल्डिंग का सर्किट काम करेगा। लेकिन दोस्तों, हम इस सर्किट में थोड़ा सेफ्टी पर्पज के लिए चेंजेस करते हैं। दोस्तों, अब हम इस सर्किट में इमरजेंसी स्विच की वायरिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट स्विच के दूसरे साइड NC टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इमरजेंसी बटन के NC एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। इमरजेंसी बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं और MCB को चालू करते हैं। जैसे हम MCB को चालू करते हैं तो हमारा कन्वेयर चालू होता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लिमिट स्विच के पास जाएगा और लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारा कन्वेयर उसी जगह पे स्टॉप होगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं तो हमारा कन्वेयर फिर से चालू होता है, लेकिन दोस्तों, हमें कन्वेयर को इमरजेंसी के लिए स्टॉप करना है तो हम इमरजेंसी बटन को प्रेस करते हैं। जैसे हम इमरजेंसी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कन्वेयर उसी जगह पे स्टॉप होगा। जैसे हमारा इमरजेंसी बटन प्रेस होगा तो उसके बाद हमारा इंचिंग और होल्डिंग का सर्किट काम नहीं करेंगे। जैसे हम इमरजेंसी बटन को निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारे इंचिंग और होल्डिंग का सर्किट काम करेंगे। जितने भी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।